हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब एंड लाइक मी। ये देख सकते हैं आज हमारे घर छठ पूजा हो रहा है, जहाँ नहाए खाए का प्रसाद बन रहा है, जो आप लोग देख सकते हैं। अभी आंटी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रसाद बना रही है, जो सब्जी में जो गोभी एंड लौकी है, लौकी जो लौकी भात कहा जाता है, जिसे कद्दू भात। और ये देख सकते हैं अभी और आंटी लोग को देख सकते हैं, अभी आंटी लोग कद्दू छील रही है और एक छोटी वाली आंटी है जो गोभी काट रही है। उसके बाद फाइनली गोभी वगैरह सब कट चुका है और अभी कद्दू को अभी मैं और आंटी मिलके अच्छा से और फ्रेश से उसे छील रहे हैं। उसके बाद अभी देख सकते हैं ये बर्तन में भी अभी इसमें और अभी देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अभी साग भी बनाना है हम लोग। उसके बाद साग कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग काफ़ी अभी इसको पकाएंगे, फिर अच्छी तरीके से बनाएंगे, फिर भगवान जी में चढ़ाएंगे एंड सबसे पहले दादी खाएगी, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। ये अभी देख सकते हैं अभी मैं तो अभी तक ही मैं अभी आलू छीलने लगी हूँ। उसके बाद आलू छीलने के बाद मैं फिर साग बनाऊँगी, उसके बाद मैं सब काम करने के बाद फिर मैं अभी खाना भी आंटी लोग बनाएगी, उसके बाद मैं टेस्टी टेस्टी खाऊंगी। और ये आप लोग देख सकते हैं अभी बड़ी वाली आंटी इसको काट रही है कद्दू को अच्छे से छोटे छोटे बाइट में। और ये साग भी देख सकते हैं, काफ़ी सारा साग है जो भी बनेगा। क्या बोला? और मंदिर और हाँ। अब आप लोग देख सकते हैं अब सारे लोग खाना खा लिए हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद ये अभी मम्मा और फुआ और आंटी लोग सब मिलके बर्तन को धो रही है, जो खरना के दिन प्रसाद बनेगा, जो खीर बनेगा उस प्रसाद के लिए बर्तन को भी साफ़ सुथरे से अच्छे से फुआ लोग और मम्मा लोग सब मिलके धो रही है, उसे फ्रेश कर रही है। और देख सकते हैं अभी आंटी लोग जल्दी जल्दी बर्तन धो रही है, अभी बहुत सारा काम बाकी है, फिर कल का अलग ब्लॉग बनने वाला है। और ये बड़ी आंटी ये देख सकते हैं अभी पानी भी भर रही है किचन रूम में, और मैं इसका भी ब्लॉग बना रही हूँ। आंटी काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही थी और स्माइल कर रही थी। और यहाँ पर देख सकते हो मम्मा लोग सब धो रही है और नीतू को अभी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है बर्तन धोने में, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से सब जाएगी, उसके बाद बर्तन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू गाइस, वॉच माय वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब मी।